के अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज रक्षा बंधन का त्यौहार, जो पुराने बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है, संसार के अंदर अनेकों उदाहरण हुए। ये मात्र इसलिए नहीं होता कि बस धागा बांध दिया और काम हो गया। ये त्यौहार साथ देने के लिए बनाया था, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, काम आने के लिए, मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा फर्क पड़ा इन चीज़ों में। मैंने रिश्तों को थोड़ा गहराई से देखा, अंदर जा करके। रिश्ते कम बचे हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में, सब तरह के निभाने वाले हैं, सब तरह के साथ देने वाले हैं, लेकिन कम लोग हैं। क्योंकि रिश्तों की पवित्रता कम रह गई। रिश्तों में दिखावापन ज़्यादा हो गया कि अगर हमने ये किया तो वो रूठ जाएंगे, ऐसा हुआ वो रूठ जाएंगे। इस प्रकार की जो सोच, वो परिवार का जो तालमेल था वो कम हो गया। आपस का जो प्यार था वो कम हुआ, और परिवारों के अंदर जो बाहर रिश्ते बनाए जाते हैं उनका भी बड़ा आजकल रिश्तों के बहुत फायदे उठाए जा रहे हैं। मेरे से ज़्यादा आप लोग समाज के अंदर रह रहे हैं, आपको मालूम ही होंगे सारी चीज़ें। लेकिन रिश्ते बनाना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रिश्ते निभाना। अगर रिश्ते ना निभा पाए तो बनाने से मना कर देना चाहिए कि हमारे से रिश्ते नहीं निभ पाएंगे, हम रिश्ते नहीं बनाते। बहुत से लोग रिश्तों का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। इससे अच्छा रिश्ते साफ सुथरे रहें, वो श्रेष्ठ है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। मानव के अंदर सबसे पहले यही होता है कि पहले मैं अपने शरीर के लिए कुछ कार्य करूं, जीने के लिए कुछ कार्य करूं, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए कुछ करूं। आदमी का इतना सीमित सा सोच होती है शुरुआत के अंदर, तो इतनी सोच करके वो फिर कोई न कोई काम शुरू करता है, नौकरी के लिए प्रयास करता है और कुछ हाथ पैर मारता है, फिर उसका दायरा थोड़ा सा बड़ा होता है कि क्यों न मैं रिश्तेदारों के लिए भी कुछ करूं, यार दोस्तों के लिए भी कुछ करूं, जो परिवार बड़ा है उसके लिए भी कुछ करूं। फिर ये सोच बनती है, फिर ये सोच बनने के बाद थोड़ी सी और पूरी होने के बाद और अगली सोच तैयार हो जाती है कि मन के अंदर कि अब मुझे थोड़ा यश चाहिए, वो किसी भी प्रकार से मिले, चाहे दान के द्वारा मिले, चाहे सेवा के द्वारा मिले, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे लोगों को भोजन करा के मिले या और समाज की भलाई करके मिले,
फिर ये सोच हो जाती है, फिर शुरू होता है धर्म का मामला कि क्यों न मैं अपने धर्म के लिए कुछ करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, महात्माओं के लिए कुछ करूं, संगत के लिए कुछ करूं, कौन धर्म के लिए कितना कार्य कर रहा है, फिर ये खोजने लगता है जीव। कोई भी धर्म हो, किसी भी प्रकार का, ये मानव की सोच है, ये मात्र एक व्यक्ति की सोच नहीं है, ये सब मानवों की सोच है। कोई भी मानव हो, इस धरा के ऊपर आया हो, यहीं से शुरू होता है लगभग 99.99%। फिर उससे आगे, फिर आदमी मन के बारे में सोचता है, आगे जाने के बाद की चीज़ें सोचता है कि यहाँ तो सब हो गया पक्का काम, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, जीवन के लिए भी, बच्चों के लिए भी, समाज के लिए, जितना मैं कर सकता था किया, अब क्या कर सकता हूँ कि क्यों न आगे के लिए कुछ किया जाए जिससे मैं स्वर्ग में जा सकूं, नरक की तरफ ना जाना पड़े, वहाँ जा करके मैं कल्याण करा सकूं और कम से कम मुक्ति ना हो तो स्वर्ग तक तो पहुँच जाऊं। कि जैसे यहाँ मौज है, वहाँ जाके स्वर्ग में भी कम से कम इसे ज़्यादा ही मौज हो तो अच्छा, इससे कम मौज तो नहीं चलेगी। और अब सारे काम ही हो गए तो छोटे मोटे भलाई के काम, दान दक्षिणा के, पूजा पाठ के, मंदिरों में जाने के, छोटे मोटे पाठ करवा देना, यज्ञ हवन करवा देना, ये फिर उस श्रेणी में आ जाते हैं कि आदमी ये भी सोचता है कि पुण्य भी मिलेगा, समाज में भी ख्याति फैलेगी और कुछ देवता परमात्मा भी खुश होंगे तो धन बढ़ करके थोड़ा आ जाएगा। तो फिर मानव की ये सोच हो जाती है। इसके बाद मानव मन के ऊपर सोचने लगता है। जब यहाँ तक संतुष्ट नहीं होता, यहाँ तक लगभग मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, लगभग कुछ एक आध में से भी कुछ परसेंट आदमी जो बचे होते हैं वो इन वस्तुओं से, इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते, उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो कुछ और ही लेवल की होती हैं।